नमस्कार दोस्तों दोस्तों हर रोज हम आपके लिए लाते हैं आईपीएल से जुड़े बड़े न्यूज और अपडेट्स, जिसमें हम आईपीएल के दौरान हो रहे हर छोटी बड़ी हलचल से आपको रूबरू करवाते हैं। इसमें हम आपको पिछले मैच से लेकर आने वाले मैच की हर रोमांचक बात बताते हैं। आईपीएल की दुनिया की सारी जानकारी एक साथ आपको हमारी वीडियो में मिल जाती है। उसी तरह आज भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आईपीएल अपडेट्स। यह हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 42वां वीडियो है और कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए, इसलिए वीडियो को पूरा तक देखें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपना पहला अपडेट। दोस्तों कल का मैच हुआ राजस्थान और पंजाब के बीच, जो बेहद ही रोमांचक मुकाबला था। इस मुकाबले में राजस्थान ने लगातार अपना दूसरा जीत दर्ज किया। उन्होंने 224 रन का टारगेट 19.3 ओवरों में हासिल कर लिया और 4 विकेट से मैच को जीता। मैच की शुरुआत में किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने टीम को बहुत ही शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 183 रन का पार्टनरशिप किया, जिसमें मयंक अग्रवाल ने 106 रन मारे 50 बॉलों का सामना करते हुए और केएल राहुल ने 69 रन मारे 54 गेंदों का सामना करते हुए। उसके बाद निकोलस ब्रन ने 8 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन और टीम का स्कोर 223 तक पहुंचा दिया। यह लक्ष्य शुरू में मुश्किल नजर आ रहा था, पर स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी टीम को। हालांकि सेकेंड हाफ में उनके रनों का रफ्तार रुक गया, क्योंकि एक समय था जब राहुल तेवतिया ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 8 ही रन बनाए थे। हालांकि उन्होंने ही 18वें ओवर में 5 छक्के लगाए और टीम को जीत दिलाई 3 गेंद शेष रहते हुए। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों राजस्थान और पंजाब के बीच मैच में कुछ बहुत ही अहम रिकॉर्ड बने। राजस्थान रॉयल्स ने 224 रनों का चेस किया और आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रनों को चेस करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके पहले सबसे ज्यादा रनों का चेस का रिकॉर्ड राजस्थान का ही था, जिन्होंने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 2008 में 215 रनों का चेस किया था। दोस्तों मयंक अग्रवाल ने 45 गेंदों में शतक पूरा किया और आईपीएल में यह दूसरा सबसे तेज शतक है, और सबसे तेज शतक यूसुफ पठान ने 2010 में 37 गेंदों में लगाया था। राहुल तेवतिया ने सेल्डन क्वार्टर के ओवर में 5 छक्के लगाए और ऐसा करने वाले आईपीएल में वह दूसरे खिलाड़ी हैं। इसके पहले क्रिस गेल ने 2012 में राहुल शर्मा के ओवर में 5 छक्के लगाए थे। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने पहले विकेट के लिए 183 रन बनाए, जो आईपीएल इतिहास में तीसरा सबसे ज्यादा फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप है और दो भारतीयों के बीच पहले विकेट के लिए यह सबसे बड़ा पार्टनरशिप है। दोस्तों आईपीएल चल रहा है और आप भी अपनी टीम बनाकर पैसे जीतना चाहते हैं तो माई 11 सर्कल इसके लिए एक बेहतरीन ऐप है। आपको इस ऐप पर सौरव गांगुली का भरोसा मिल जाता है, और इतना ही नहीं, आप सौरव गांगुली, राशिद खान और शेन वॉटसन जैसे महान खिलाड़ियों के साथ खेल भी सकते हैं। दोस्तों यह एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप है और इस पर टीम बनाना बहुत ही आसान है। आपको दोनों टीम के 11 खिलाड़ी चुनने होते हैं और अपनी टीम बनानी होती है। इंडिया का T20 लीग माई 11 सर्कल पर हो रहा है और हमारे अपने सौरव गांगुली अपनी टीम बना चुके हैं, और यदि आपकी बनाई हुई टीम उनकी टीम को हराती है तो आपको 2 गुना कैश मिलेगा, और यह सारे पैसे आप अपने अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं और यह बहुत ही सुरक्षित है। इसी के साथ हर सप्ताह एक खिलाड़ी का करोड़पति बनने का चांस रहता है। इन लोगों ने 1 करोड़ जीता है, आप यहाँ देख सकते हैं। यकीन मानिए इन्हीं के जैसे आप भी जीत सकते हैं, तो अभी अपनी टीम बनाएं और पैसे जीतें। आपको अपनी पहली डिपॉजिट पर 1500 बोनस भी मिलते हैं, और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक खास ऑफर है। यदि वह डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उन्हें 20% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों आज का मैच होने वाला है बैंगलोर और मुंबई के बीच। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पिछले मैच में बैंगलोर की शर्मनाक हार के बाद बैंगलोर इस मैच में वापसी करना चाहेंगे। चलिए जानते हैं अपना चौथा अपडेट। कोलकाता और हैदराबाद के बीच के मैच में कोलकाता के शुभम गिल ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच बने, और उन्होंने ट्विटर पर अपनी फोटो डाली, जिस पर युवराज सिंह ने कमेंट किया और कहा कि यह एक अच्छी बैट है और यह बैट किसकी है मिस्टर गिल। असल में लॉकडाउन के दौरान युवराज सिंह ने शुभम गिल को कोच किया था और उनकी बैट पर युवराज सिंह के फाउंडेशन का लोगो था, जिसका नाम है यूवी कैन, और यह फाउंडेशन लोगों को कैंसर और उससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी से रूबरू करवाते हैं और कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों रविंद्र जडेजा जब आईपीएल शुरू हुआ था तब राजस्थान का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी खतरनाक फील्डिंग और शानदार बल्लेबाजी से टीम को आईपीएल का खिताब दिलाया था, जिसके बाद शेन वॉटसन ने उन्हें रॉकस्टार कहना शुरू कर दिया, और शेन वॉटसन का यह इच्छा है कि रविंद्र जडेजा फिर से राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने। चलिए जानते हैं अपने छठा अपडेट। दोस्तों निकोलस पुरन ने लाजवाब फील्डिंग का नजारा पिछले मैच में दिखाया, जिसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। असल में उन्होंने अपनी खतरनाक फील्डिंग के बदौलत संजू सैमसन के मारे हुए छक्के को बाउंड्री के पार हो जाने के बाद भी बचा लिया। केविन पीटरसन जो कमेंट्री कर रहे थे, उनके पास शब्द नहीं थे इस फील्डिंग को देखने के बाद। यह एक जबरदस्त फील्डिंग था, और यदि आपने नहीं देखा तो एक बार इसे जरूर देखें। मैं इसे दिखा नहीं सकता, पर आप ट्विटर या तो फिर कहीं पर मैच हाइलाइट्स में इसे देख सकते हैं। चलिए जानते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों मुंबई के हार्दिक पांड्या एक जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, पर वह अपनी इंजरी के बाद बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, जिसे फैंस का यह सवाल है कि आखिर वह बॉलिंग कब करेंगे। इस पर मुंबई इंडियंस के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जाहिर खान ने कहा है कि उनकी बॉलिंग के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, वह बहुत जल्द बॉलिंग
करते दिखेंगे। दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें कि केन विलियमसन ने अपनी मौजूदगी की अपडेट खुद ही दी है। उन्होंने कहा है कि 29 सितंबर को होने वाले मैच में वो सिलेक्शन के लिए रेडी हैं, वह खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। चलिए देखते हैं अपना 8वां अपडेट। दोस्तों विराट कोहली की टीम बैंगलोर का पिछला मैच पंजाब के खिलाफ था, जिसमें विराट कोहली ने ना सिर्फ खराब कप्तानी की बल्कि 2 कैच छोड़कर और भी आलोचनाओं का शिकार हो गए। हालांकि उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने कहा है कि लोग भूल जाते हैं कि भाई इंसान है, वह मशीन नहीं है, गलतियां उनसे भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी की जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि शेन वाटसन ने इसकी जानकारी दी कि उनकी दादी का निधन हो गया, फिर भी वह चेन्नई के लिए पिछला मैच खेले। चलिए देखते हैं अपना 9वां अपडेट। दोस्तों सहवाग ने धोनी पर कहा है कि धोनी 4थे नंबर पर बैटिंग करने का मन बनाएंगे, उसके पहले भारत को बुलेट ट्रेन मिल जाएगा। पूरी क्रिकेट दुनिया यही चाहती है कि धोनी पहले बैटिंग करने आए और हम भी यही चाहते हैं, और अब देखने वाली बात यह है कि वह पहले बैटिंग करने आते हैं या नहीं। इसी के साथ आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी ने आईपीएल को लेकर बयान दिया है और कहा है कि आईपीएल एक ब्रांड है और पाकिस्तानी खिलाड़ी इसका हिस्सा नहीं है, यह एक अफसोस की बात है, यह करियर को तराशने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। दोस्तों सुनील गावस्कर ने विराट कोहली पर कुछ कमेंट किए थे जिसे नेगेटिव तरीके से ले लिया गया था। इस पर सुनील गावस्कर के बचाव में बहुत कोई आए, इसी पर भारत के पूर्व विकेट कीपर फारूक इंजीनियर ने कहा है कि भारतीयों में इस चीज का अंतर करने का सेंस नहीं है कि क्या मजाक में बोला गया और क्या सीरियसली बोला गया। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक ने इस बात का खुलासा किया है कि एंड्रे रसल को गाड़ी चलाने से डर लगता है, वह एक चीज से जो नहीं डरते हैं वह है गेंद या बॉल। इसी के साथ आपको बता दें कि युवराज सिंह ने पैट कमिंस की तारीफ की और कहा कि पहले मैच में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने बहुत शानदार वापसी की और हैदराबाद की टीम पर प्रेशर बनाया। साथ ही आपको बता दें पॉइंट टेबल में दिल्ली सबसे ऊपर है, उनके बाद फिर राजस्थान है, फिर पंजाब, फिर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, फिर बैंगलोर और अंत में हैदराबाद। ऑरेंज कैप केएल राहुल के पास है, उन्होंने 222 रन बनाए हैं, और मोहम्मद शमी के पास है पर्पल कैप, जिन्होंने अभी तक 7 विकेट लिए हैं। दोस्तों यह थे हमारे आज के आईपीएल अपडेट्स। ऐसे ही वीडियोस हर दिन पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।